झांसी नशा मुक्ति कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत सरकार के शहरी व आवासीय विभाग मंत्री कौशल किशोर झांसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई विद्यालयों में बच्चों को नशा मुक्ति प्रेरक संदेश सुनाने के बाद कौशल किशोर मीडिया से मुखातिब हुए हैं, जिसमें बताया गया कि नशा मुक्ति बहुत ज़रूरी है, इससे कई पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। इसके अलावा ज्ञान बाबी मस्जिद पर भी अपना बयान देते हुए मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि धार्मिक स्थल पर बनाते समय उस धर्म की भाषा से ही नाम लिया जाता है। ज्ञान बाबी हिंदू धर्म से जुड़ा नाम है, इसका प्रयोग मस्जिद के लिए हो ही नहीं सकता। आइए आगे जानते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, समझदार लोग, किसी भी धर्म स्थल का जब निर्माण होता है तो जो भी वो धर्म होता है उसकी एक भाषा होती है। हमारे सनातन धर्म की हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, या हमारे सनातन धर्म के जो लोग मानते हैं जहाँ रहते हैं उनकी जो लोकल भाषा है वो भाषा है। उर्दू भाषा जो है वो इस्लाम की है या हिंदुस्तान के मुसलमानों की है या अरबी भाषा है। जो सरदार हैं, सिंह पंथ के हैं, उनकी पंजाबी भाषा है, ईसाइयों की अंग्रेजी भाषा है, बौद्धिस्ट की पाली भाषा है। तो अपने जो धार्मिक स्थल बनाते हैं वो अपनी भाषा में उसका नाम रखते हैं। मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? ज्ञानवापी तो हिंदी शब्द है, इसलिए नहीं हो सकता ज्ञानवापी नाम। इसका मतलब ज्ञानवापी नाम से वहाँ पर कोई धार्मिक स्थल हिंदुओं का, सनातन धर्म का रहा होगा। जहाँ पर मस्जिद बनाई गई, वो मस्जिद का नाम अगर उर्दू में, अरबी में होता तो हम उसको निश्चित तरीके से मान लेते कि ये जो है फ्रेश मस्जिद बनाई गई। ये जांच का विषय है, मस्जिद है जिनकी जांच होना चाहिए। देखिए, जहाँ जहाँ पर जो भी जांच का मुद्दा है, ये हमारी पार्टी ने इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। ज्ञानवापी मस्जिद पे महिलाओं ने श्रृंगार गौरी का दर्शन करने और पूजा करने के लिए एक रिट दाखिल की, जिसमें कोर्ट ने आदेश किया। उस कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए, कोर्ट जो निर्णय करेगा उसी को हम लोग मानने का काम करेंगे। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थानरा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी।